अपने ज्ञान के गंगा को और अधिक गहरा बनाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको विज्ञान में पूरा दो नंबर वाला क्वेश्चन सही हो जाए तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वो दो वायरल क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो वह क्वेश्चन यह है, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, ये दो क्वेश्चन वायरल हो चुका है, आने का पूरा चांस है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक उदाहरण दे, आप क्या लिखिएगा कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे को अच्छे से याद करके आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पे लिख लिख कर इसे याद कीजिए, तब आपका यह क्वेश्चन दो नंबर कंप्लीट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है, अच्छे से समझिए आप इस क्वेश्चन को कि जब कोई तत्व, एक तत्व होगा और दूसरा यौगिक होगा, एक तत्व होगा दूसरा यौगिक होगा, आप इसको उदाहरण से समझिए। यहाँ आयरन क्या है, एक तत्व है, दूसरा क्या है कॉपर सल्फेट, यह क्या है तो एक विलयन है, एक यौगिक है, और नया पदार्थ एक बनता है आयरन सल्फेट और विस्थापित किसको करता है तो कॉपर को। इस अभिक्रिया में हमने यह देखा कि आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है और एक नया यौगिक आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। इसमें फेरस क्या है, आयरन क्या है तो एक तत्व है, और CuSO4 क्या है तो एक यौगिक है। जब एक तत्व रहे दूसरा यौगिक रहे, जब एक तत्व रहे दूसरा यौगिक रहे, तो वहां पे एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। अब इसी का विपरीत दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वह क्या है, द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक उदाहरण दे, यह दोनों क्वेश्चन वायरल हो चुका है, आप इसे बिंदास लिख कर याद कर लीजिए, आने का पूरा 100% चांस है। क्या है इसका जवाब, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है तब उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 + BaCl2 तीर चिन्ह BaSO4 + 2NaCl। तो यह था एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन अभिक्रिया पर वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो को लगातार देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी इन सभी वीडियो का लाभ पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।